अभी थोड़ी देर पहले मेरी अलामा नासिर अब्बास साहब से जो बात हुई, MWM के जो सरबराह हैं, पहले वो सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर आपसे बात करते हैं। हुकूमत वाकई ही संजीदा है मामलात को ठीक करने में या अपनी मर्जी की कानून साजी के लिए कोशिशें की जा रही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सादी का बहुत बड़े शायर हैं, उनका एक शेर है, खिश्ते अव्वल चून नहद मैमार कज ता सुरैया मीर अवद दीवार कज। अगर मैमार मिस्त्री पहली ईंट ही अगर बुनियाद में टेढ़ी रख दे, दीवार जितनी ऊपर जाएगी टेढ़ी जाएगी। मौजूदा हुकूमत की असास और बुनियाद ही टेढ़ी ईंट पर रखी गई है। ये जो जो कदम उठाते हैं टेढ़े टेढ़े जाते हैं ऊपर, और अल्टीमेटली नुकसान किसको होता है? पाकिस्तान और पाकिस्तान के आवाम को। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान ख़त्म करने के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे, बल्कि सियासी बहरानों को डीप किया जा रहा है, अमीर किया जा रहा है, इख्तलाफात को बढ़ाया जा रहा है, पाकिस्तान को बहरान ज़दा किया जा रहा है। माशी बहरान, अमन अमान का बहरान, सियासी बहरान, अभी कानूनी और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहरान खड़े हो गए हैं, आइनी पर बहरान खड़ा किया जा रहा है। लिहाजा यहाँ के हुक्मरान और जल्दबाजी करना चाहते हैं, रातों रात के काम करना चाहते हैं, पता नहीं कौन इनके पीछे है। जब अपने आवाम के ज़रिए मुंतखब होकर हुक्मरान नहीं आते और अपनी पावर कहीं और से हासिल करते हैं, बिसाखियों पर चलने वाले आवाम कभी भी आवाम के हकूक़ का तहफ़ नहीं कर सकते, कभी भी आइन की पासदारी नहीं कर सकते, कभी मुल्क को बहरानों से नहीं निकाल सकते। ये दीवार जितनी ऊपर जाएगी टेढ़ी जाएगी। लेकिन मुल्क में जो हुकूमत है, हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें, उनका तो ये कहना और मानना है कि जी हम तो मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए ये आइनी तरमीम करना चाहते हैं। अब देखिए ना, ये आइनी रातों रात अंधेरों में फौरी करना है, ये क्या आइनी तरमीम, ये कौन सब बहरान निकालने के लिए कर रहे हैं आप? पर इसमें आवाम महंगाई का शिकार है, महंगाई के लिए कोई मसला हो रहा है? बेरोज़गारी है, मुश्किलात हैं, बिजली महंगी है, एजुकेशन का मसाइल है, हेल्थ के मसाइल हैं, अमन अमान के बहरान है, क्या कर रहे हैं आप? कौन सी आप जनाब वाला आवाम के जो बेनिफिट्स में, आवाम के जो ह्यूमन राइट्स हैं, उसके वाले से आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कोई प्रोग्राम है, कोई प्लान है, कोई डिस्कशन करा रहे हैं? कोई अमन अमान के बारे में डिस्कशन करा रहे हैं? KP का क्या हाल है, बलूचिस्तान क्या हाल है, और पाकिस्तान के बाकी इलाकों का क्या हाल है? आप सिंध में इंटीरियर में चले जाएँ, वहाँ पर डाकुओं का राज है, कच्चे के डाकुओं का कंट्रोल है, तो आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। जो कुछ हो रहा है पता नहीं, हैरानगी है कि क्यों इस तरह से हो रहा है। मैंने पहले भी कह दिया कि जब और अक्सर काकर साहब ये फरमाइएगा कि आपने अभी अलामा साहब की गुफ्तगू भी सुनी, आज सारा दिन इजलास के हवाले से मुख्तलिफ टाइम दिए जाते रहे कि इतने बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा, इतने बजे काबीना का इजलास होगा, इतने बजे सैनेट का इजलास होगा, लेकिन इजलास तो नहीं हुआ। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान के घर में बार बार मीटिंगें होती रही हैं। आप जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत को बड़ा करीब से देखते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई हुकूमत सिर्फ ये चाहती है कि PTI से मौलाना को दूर कर दे और मौलाना साहब के जरिए ही ये जो है आइनी तरमीम पेश की जाए, या इसका मकसद कुछ और भी है? इमरान साहब, इसमें कोई शक नहीं कि जो मौलाना फजल रहमान है वो पोलिटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस वक्त पाकिस्तानी सियासत की। इस वक्त चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन हो, उन सब की नज़र इस वक्त मौलाना फजल रहमान के फैसले पर। चाहे अब आज आपने देखा, गुज़श्ता रात आपने देखा कि मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी, डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार और उनकी कैबिनेट, इसके साथ साथ उनकी कोशिश है कि मौलाना फजल रहमान को किसी न किसी तरीके से मनाया जाए, क्योंकि मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी इस वक्त 100% जो है वो एक ही मसौदे पर एग्री है, जिसके बाद उन्होंने जो गुज़श्ता आपने देखा होगा कि लाहौर में उनकी मियां नवाज शरीफ के साथ भी मुलाकात हुई, जिस पर काफ़ी हद तक मौलाना फजल रहमान, चाहे मुस्लिम नून हो या पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो, उनको अपने मसौदे की तरफ उनको रागिब किया और इस बात पर इतफाक़ किया कि जो मौलाना फजल रहमान का जो मसौदा है वो काबिल कबूल है। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि आर्टिकल 8 में मौलाना फजल रहमान ने जो है मिलिट्री कोर्ट्स की उन्होंने जो है वो खुलेआम मुखालफत की, जिसके बाद हुकूमत जो है उस पर भी उन्होंने बैक किया, और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान आईनी अदालतों पर वो ना माने, जिसके बाद हुकूमत एक बार फिर जो है वो बैकफुट पर चलेगी और मौलाना फजल रहमान के जो आइनी मसौदे हैं उस पर हुकूमत ने काफ़ी तक इतफाक भी किया। आज जो देखा कि बैरिस्टर गौहर या बिलाल भुट्टो जरदारी, उन्होंने मौलाना फजल रहमान के मसौदे से उन्होंने एग्री किया। आज आपने देखा होगा चाहे सैनेट इजलास जो है चार बार जो है वो इंतवा का शिकार रहा, कैबिनेट आप मीटिंग आप देखिए। डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो सरदारी ने तो आज ये भी कहा कि जी मौलाना साहब जो हैं वो तो हमारे मुसवदे से 100% मुतफिक हैं, तो हकूमती लोग तो ये कह रहे हैं, लेकिन उसमें नहीं है। तो बहरहाल अभी हम जो बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा वो सुना भी देते हैं।
मेरा मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुसलसल इस आईनी तरमीम पे, जुडिशल रिफॉर्म्स पे इंगेजमेंट रहा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कराची के हमारा इंटरेक्शन इंगेजमेंट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की 100% इत्तेफाक जहाँ तक जुडिशल रिफॉर्म्स की जो आइन साजी होना है उसके कॉन्टेंट के बारे में तय हो चुका है। अब हम इत्तेफाक इस बात पे किए कि हमने आईनी बेंचेस बनाने हैं। जो हमने 19वीं तरमीम को खत्म करना था वो 19वीं तरमीम को खत्म करके हम पार्लियामान को मजीद ताकतवर बना रहे हैं और पार्लियामान की रोल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में दिलवा रहे हैं। नाजरीन, आपने बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की बातें सुनी। अभी कुछ देर पहले जो हमारी बात हुई इलामा हामिद साहब से, देखते साहबजादा हामिद रजा साहब से, वो देखते हैं कि उन्होंने क्या बात की। खान की सियासत को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने एक जो रेजिस्टेंस की सियासत है उसको एक नया रुख दे दिया है। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने रेजिस्ट करने की कोशिश की प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर, अपने नज़रियात की बुनियाद के ऊपर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो किसी ना किसी जगह पर कंप्रोमाइज़ हो गए। किसी ने जेल से बाहर आने के लिए मुआहदा कर लिया, किसी ने पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए मुआहदा कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने एक नया प्रेसिडेंट सेट किया है कि वो जिन बातों के ऊपर खड़े हैं उन्होंने को कंप्रोमाइज़ नहीं किया, को अपने लिए डील नहीं मांगी, को NRO नहीं मांगा, और रेजिस्टेंस ब्लॉक के लिए मेरा ख्याल है इमरान खान ताज़ा हवा का एक झोंका है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जिस मुश्किल वक्त में आपने उनका साथ दिया उस वक्त भी उन्हें आपके साथ से बहुत फ़ायदा पहुंचा, लेकिन बाद में PTI के कुछ लोगों ने, ख़ास तौर पे PTI के पावर कॉरिडोर्स के कुछ लोगों ने आपको उस तरह से कबूल नहीं किया। देखें, ये जो भी पावर कॉरिडोर, मेरे तो अव्वल बात है इलम में नहीं है कि किसी ने कबूल नहीं किया, लेकिन ये फ़ैसला इमरान खान का और हमारा था। मेरे ऊपर जो एतमाद का फ़ैसला था वो इमरान खान साहब ने किया था। आप देख लें भी अभी भी 5 लोगों को अप्रूव किया गया, उनमें से एक मैं हूँ जिसने कौमी असम्बली में पेश होना है। मौलाना साहब के साथ मुलाकात के अंदर भी, स्पेशल कमेटी के अंदर भी, अब मुझे नहीं पता एतमाद इसके अलावा और किसे कहते हैं। तो खान साहब की तरफ से और भी बहुत सारी चीज़ें कही गई जिनको बेसिकली मैंने रिफ्यूज़ किया, क्योंकि मेरा एक प्रिंसिपल है या मेरा एक स्टांस है कि जब आप अपने मुश्किल वक्त में किसी साथी के साथ खड़े होते हैं, किसी दोस्त का साथ देते हैं, तो उस वक्त आपकी डिमांड नहीं होती। हाँ, अच्छा वक्त आएगा तो इंशाल्लाह फिर उस वक्त देखी जाएगी, लेकिन मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा की तरफ से, किसी भी कारकुन की तरफ से जो इज्जत दी गई है, मैं बड़ी सीधी ब्लंट बात करने वाला बंदा हूँ, मैं तनकीद भी खुली कर देता हूँ, मुझे आज तक उसमें कोई कमी महसूस नहीं हुई। सरदार साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने फिर वजाहत दी है, तो आप क्यों समझते हैं कि बार बार वजाहत की जरूरत क्यों पेश आती है? सर, ये बदकिस्मती है, लोग इसको दो चीज़ों के ऊपर कोई खुशाइंद करार दे रहे हैं। जो हुकूमती साइड है वो ये कह रही है कि जनाब ये जुल्म है, ये है, फलाना है। मैं इसे एक नए तनाजुर के अंदर देखता हूँ, डिफरेंट तनाजुर के अंदर देखता हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट को एक वाजह फैसला देने के बाद बार बार उसकी वजाहत करने की कोशिश की जा रही है, और वह वजाहत किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं है, एक और आइनी इदारे के हवाले से है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे आइनी इदारे हैं वो शायद तबाही के दाने पर पहुँच चुके हुए हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी अपना फैसला समझाने के लिए, इंप्लीमेंट करवाने के लिए दो तीन मरतबा वजाहती बयान जारी करने पड़ते हैं। तो आई गेस दिस इज़ अ न्यू लो। साहबजादा साहब, ये फरमाइएगा कि आईनी तरमीम के मंजूर हो जाने के बाद आप क्या समझते हैं कि वाकई हकीकी मायनों में पाकिस्तानी आवाम को कोई फ़ायदा पहुँचेगा, कोई मुसबत तब्दीली आएगी? सर देखिए, मैं तो बहुत क्लीन हूँ इस मामले के ऊपर, क्योंकि मैंने मुसवदे देखे हैं जो चारों गवर्नमेंट ने दिए, पहले एक, फिर उसके बाद दूसरा, फिर स्पेशल कमेटी में तीसरा, आज चौथा। उसमें आवाम से रिलेटेड तो कोई बात नहीं है, ये जुडिशियल सिस्टम की बेहतरी की बात कर रहे हैं। मेरा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि आपका जुडिशियल सिस्टम फास्ट और स्पीडी जस्टिस उस वक्त प्रोवाइड कर सकता है जब लोएस्ट लेवल के ऊपर उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी अच्छी हो। अभी एट प्रेजेंट पोजीशन ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 24+ जो जजेस की वैकेंसीज हैं वो खाली हैं। इस आईनी तरमीम में उसे तो कहीं पर एड्रेस नहीं किया गया। देखें, सारे का सारा लोड आपकी लोअर कोर्ट्स के ऊपर होता है, सिविल कोर्ट, उसके बाद सेशन कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बारी आती है। तो अगर आपकी जो पेंडेंसी का रेट आप लोअर कोर्ट्स के अंदर जाके देखें तो इस्लाहात लाने की ज़रूरत तो एक्चुअल वहाँ पर है। इस आईनी तरमीम में मुझे कोई एक चीज़ दिखा दें जिसमें यह लिखा हो कि हम, और 24 is a big number,
जजेस का हाई कोर्ट के अंदर, दो तीन, एक दो तीन चार हों तो आप कह सकते हैं कि जी दो तीन चार खाली रह जाती हैं, 24 सीटें आप उन्हें एड्रेस नहीं कर रहे, आप रूट कॉज की तरफ नहीं जा रहे, तो फिर ये चीज़ ये प्रूव करती है कि ये पर्सन स्पेसिफिक आइनी तरामीम लाई जा रही हैं जिसका पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत के नाकदीन का तो ये भी कहना है कि इन आइनी तरामीम का एक मकसद ये भी था कि इमरान खान के मुकदमात को फौजी अदालतों में ले जाया जाए, तो क्या हुकूमत इसमें कामयाब हो जाएगी? नहीं, कामयाब नहीं होगी। अगर पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल्स जो हैं वो बहाल रहेंगे, ह्यूमन राइट्स जो हैं वो बहाल रहेंगे, तो फिर नहीं कामयाब होगी। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान को अगर आपने बनाना रिपब्लिक बनाना है तो ठीक है, फिर ले जाएं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, क्या होगा सर, आपने उसे एक डेढ़ साल से फंसाया हुआ है, उसके ऊपर अभी आपने 14 दिन से, हमें नहीं पता खान साहब पे क्या गुजर रही है, उनकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, उनकी फैमिली की उन तक एक्सेस नहीं है, उनके लॉयर्स की, उनकी पार्टी की, किसी बंदे की उन तक एक्सेस नहीं, टूट गया सर, नहीं टूटा वो। मिलिट्री कोर्ट में आप क्या कर लेंगे, सजा दे लेंगे, दे लें भाई जान। जो लोग मकसद है जब किसी नज़रिए के ऊपर खड़े हो जाएं तो वो फिर टूटते नहीं हैं। हम एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, साहबजादा हामिद रजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अगर मौजूदा सूरत हाल देखें तो ऐसा महसूस होता है कि शायद हकूमत ये समझती है कि अगर ये आइनी तरामीम पास ना हुई तो उनके वजूद को ख़तरा हो सकता है। दूसरी तरफ पीटीआई ये समझती है कि बानी चेयरमैन इमरान खान की रहाई के लिए ज़रूरी है कि ये आइनी तरामीम ना होने दी जाए।